मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ये हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा फीवर के लिए, बुखार के लिए बहुत अच्छी औषधि है। कई बार ऐसे खतरनाक किस्म के बुखार हमको आ जाते हैं, जैसे चिकनगुनिया आए, डेंगू फीवर आए, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया जिसको हम कहते हैं, वायरल फीवर, ये सब तरह के बुखार को अकेला ही ठीक कर देता है हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा। 5 पत्ते तोड़ना, पत्थर में पीस के चटनी बना के 1 गिलास पानी में इतना गर्म करना, पानी आधा हो जाए फिर ठंडा करके पीना। बुखार के केस में ये 3 दिन से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सभी बुखार 3 दिन में लगभग ठीक हो जाते। और जो घुटने का दर्द है तो इसको 3 महीने तक ले सकते हैं हर दिन, और लेना सवेरे खाली पेट ही सबसे अच्छा। और एक दवा है बुखार की, तुलसी पत्ते, 15-20 तुलसी पत्ते तोड़ लो, 3-4 काली मिर्च ले लो, पत्थर में पीस के उसको बना लो चटनी जैसा, पानी में गर्म करके पी जाओ, बहुत अच्छी दवा है, ये भी फीवर को ठीक कर। और एक अच्छी दवा है हमारे घर में है बुखार के लिए, वो क्या है, एक नीम के पेड़ पर आपने अक्सर देखा एक बेल आती है, क्रीपर, उसको गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं, गुड़ुंच कहते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है क्रीपर। उस बेल की थोड़ी सी लकड़ी काटो चाकू से इतनी सी, और पत्थर में पीस के पानी में उबाल दो, उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, बस उसको पी लो ठंडा करके, तो खराब से खराब बुखार इससे जल्दी उतर जाता है। और हमने इसके प्रयोग किए हैं कि बहुत जब गहरा बुखार आता है, बहुत फीवर हाई होता है, तो बॉडी में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं ब्लड में, तो मरने की हालत होती है पेशेंट। उस कंडीशन में ये बेस्ट मेडिसिन है नीम की गिलोय, अमृता, गुड़च। जब प्लेटलेट्स कम हो जाए ना किसी के, तुरंत बोलना उसको कि इसका काढ़ा पी। और एक काम में ये काम लेना आप इसको, जब WBCs बहुत तेजी से गिरे, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बहुत कम हो जाए और पेशेंट के मरने की स्थिति आए, तब आप जरूर बताना उसको। आयुर्वेद में इसको अमृता कहा है, अमृत जैसी, माने मरते हुए को जिंदा कर ली है ऐसी दवा।